हमारे मध्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख सुश्री ममता यादव जी उपस्थित हैं। ममता दीदी के स्वागत के लिए मैं साधना यादव जी से निवेदन करती हूँ। श्री रवि जायसवाल जी के स्वागत के लिए मैं प्रिया कदम जी से आग्रह करती हूँ। So we'll go by the general demo and then we'll go to advance. Position! Babas, zinda ho to mehsoos karao. Position! बिना जोश नहीं दिख रहा, सामने वाले ने आपका अपमान किया है और याद रखना
अपमान चंदू के बेटे को चाणक्य बनाता है। गुस्सा और अगर गुस्से का कोई बदलाव नहीं आया मारो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एक बार फास्ट करेंगे, सामने वाला पलक मारे उससे पहले छह काट लगना चाहिए उसको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एक बार अपने लिए ताली बजाओ क्योंकि खुद की इज्जत सबसे पहले। जोर से इतनी इज्जत करते हो खुद की, दुनिया को जीतना तो खुद को जीतो। आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। सिट डाउन, सिट डाउन। नाउ जूनियर्स विल कम ऑन द स्टेज। आइए अभी आपको एक्सप्लेनेशन 17 स्टेप्स एक्सप्लेनेशन। जल्दी पोजीशन वन। अगर कोई बाई तरफ से थप्पड़ मारे 93% लोग दाहिने हाथ चलाते हैं। ब्लॉक कैसे करना? टू, दोनों हाथ से ब्लॉक। थ्री, अगर कोई बाल पकड़ने की कोशिश करे। फोर, अगर कोई कमर पकड़ने की नीचे से कपड़े खींचने की कोशिश करे। फोर, सीधे नाम पर मारना नीचे की तरफ, पहले हाथ से बचना। फोर फाइव, नाक पर मारना। सिक्स सेवन, पंजे से नोचना। एट, अगर सामने वाला झपकता है सबसे पहले उससे बचना। नाइन, आंखों में उंगली डालना। टेन इलेवन, जबड़ा तोड़ना। ट्वेल्व, पीछे से एल्बो से प्रहार। थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, सीधे कान पे मारना। सेवनटीन, अभी भी लोगों को लगा होगा आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल ऑडियंस एंड जनरल परसेप्शन कि ऐसा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताते हैं इसकी स्पीड क्या है। ओके चलो दिखाओ बेटा। इट्स अ जनरल स्पीड जो एक इंसान की होती है उससे बहुत तेज रही है, और जिनको आपको मारना है उनको हम पुरुषों की गिनती में कभी नहीं गिनते, क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो मेरी माँ कहती थी जिनके ऊपर देखते हैं और पैर के नीचे दुर्गा के स्वरूप में बेटी को देखते हैं। सो आई बिलीव दे आर नॉट व्हाट वी प्रिटेंड टू बी। चलो एक बार और फास्ट, सब खड़े हो जाओ। चलो 17 स्टेप, जल्दी से बेटा पूरे जोर से नाच। गुस्सा गो। अच्छा आप लोग को समझ में नहीं आया, यू ऑल नो हाउ टू ऑपरेट। ताली बजाओ उनके लिए बेटा, आपके बीच से आए हैं वो मेरे बच्चे हुई है। गुड पोजीशन। नेक्स्ट नेक्स्ट पैन पोजीशन। नाक में कम से कम चार टांके लगी है। वापस थर्ड पोजीशन। हर वो चीज जो बच्ची कैरी कर सकती है, तलवार रखकर नहीं घूम सकती है, अगेंस्ट आर्म्स एक्ट है, बट कार्ड रखकर घूम सकती है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चेंज, नो एक्सप्लेनेशन, बैठ जाओ। चलो नाउ सॉरी, लगा लो दुपट्टा, दुपट्टा दुपट्टा एक्सप्लेनेशन। चुनरी की बड़ी ताकत है। नाउ वन टू थ्री, एक बार में कर दो, एक बार, वी हैव लेस टाइम। चलो एक बार में करना फास्ट, नो एक्सप्लेनेशन। दुपट्टे से कैसे यूज करेंगे? जल्दी रेडी गो। नाउ वेरी गुड, सो यू कैन यूज इवन दुपट्टा फॉर दिस, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। गो बैक, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं आ रही। चलो वेरी गुड, सुप्रीम है और उसने सबको यह अधिकार दिया है, वो जैसा चाहे जी सकती है, जो चाहे पहन सकती है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। Nobody should be given the right to stare at you. अभी त्यागा, जो कि बेसिकली वो कमांडो का हथियार होता है, बट किसी का सगा नहीं होता। हथियार का मतलब हाथ का यार, जब तक तेरा तेरा मैंने छीला मेरा। It doesn't belong to anyone. बिना एक्सप्लेनेशन स्लो करेंगे, नहीं एक्सप्लेनेशन, जल्दी जल्दी, don't have time. One, अगर सामने वाला चाकू से आता पहले उसका ब्लॉक किया, उसके बाद उसका क्या हर्षण किया वो भी देखें। तो हाथ काटो, जो हाथ उठे हाथ काटो, जो आंख उठे वो आंख छोड़ो। थ्री पैर गए, फोर डबल कट, फाइव पेट गया, सिक्स सेवन घुटना, एट
इनकी सोच अपाहिज है, हम इनको शरीर से अपाहिज करेंगे। वापस अभी सुनिए, लोगों को लगता बड़ा स्लो है। आई चैलेंज एवरी फास्ट गो। तुम पलक मारोगे हम जान ले लेंगे। एक बार और बेटा मैंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों को ट्रेन किया है। 2.5 सेकेंड 8 कट सामने वाले के शरीर में। That's more than enough. Thank you very much. God bless you. Go. Go. चलाओ, मार बेटा। Don't leave. Go. Good. Change. You like it or not? इन बच्चों के लिए भी ताली बजाओ। हर लड़का रेपिस्ट भी नहीं होता, जिससे ये औलादे निकल के फिर कत्तार कुछ निकल जाते हैं, कुछ देशभक्त। सवाल माँ के उस पेट का जहां से बच्चे ये जन्म होता है। बोलना पड़ा, चार नंबर क्या? कुछ लोगों ने ये भी भ्रांति ले ली कि बच्चियां आग से जलती है। बाहरे जो सुबह से लेकर शाम तक बेचारी किचन में रोटी बनाती है, वो आग से कब से जलने लगी। So they are not the call is scared of anything. अगर आपकी ताली रुकी मैं डेमो रोक दूंगा। तेज कर लो। उस इंसान को सवाल जो इनके पेट पर सवाल उठाता है।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के चेहरे पे और महाराष्ट्र को नित नई ऊंचाइयों तक ले जाने की चाह रखने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं वक्तव्य रखने हेतु आमंत्रित करती हूँ। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील अंबेडकर जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग हम सभी को दी, ग्रैंड मास्टर शिफू जी शौर्य भारद्वाज, ममता यादव जी, आशीष चौहान जी, रविना टंडन जी, मंगला बहन जी, अनिकेत अहवाल जी, रवि जायसवाल जी, प्रेरणा पवार, निधि त्रिपाठी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी मेरी साहसी बहनों और भाइयों, मैं विद्यार्थी परिषद और विद्यानिधि का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक बड़ा ही अच्छा मिशन आपने हाथ में लिया और विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं ग्रैंड मास्टर शिफू जी शौर्य भारद्वाज जी का, कि जिन्होंने एक ऐसी ट्रेनिंग दी जिससे मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी ये बहनें अब किसी से भी डरने वाली नहीं है और कोई भी अगर उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करे, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोई भी कोशिश करे, तो ऐसी हर कोशिश नाकाम होगी, ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं। और हम लोग सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आज देश में लगातार हमारे बच्चियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में एक अवेयरनेस बढ़ रहा है और एक जागरूकता भी आ रही है, और अब हमारी बहनें सहना नहीं चाहती और सहना नहीं भी चाहिए, अब वो कोई भी इस प्रकार की प्रवृत्ति हो उसका मुकाबला करना चाहती है, उसके खिलाफ लड़ना चाहती है। और मैं ऐसा मानता हूं ये लड़ने के लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उससे भी ज्यादा एक आत्मबल की आवश्यकता है। और अभी हमने देखा किस प्रकार का आत्मबल हमारी बच्चियों में यहां पर तैयार हुआ। हम लोग हमेशा कहते हैं डर के आगे जीत होती है, और वही जीत और जीत का जज्बा आज हमारी बच्चियों में हमको देखने को मिला। इन सभी बच्चियों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है जिस देश में ऐसी साहसी बच्चियां हो उस देश को प्रगति से कोई रोक नहीं सकता, और उस देश में कितने भी अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी पैदा हो जाए, उनको कभी भी उस देश में हमारी बच्चियां जीतने नहीं देगी, उनको परास्त करेगी। और ऐसी सारी जो मानसिकता है, इन मानसिकताओं को कुचलने की ताकत आज हमारी बच्चों में यहाँ पर पैदा हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूं कि महत्व की बात है। ग्रैंड मास्टर शिफू जी शौर्य भारद्वाज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा मिशन उन्होंने हाथ में लिया है जो देश को एक महाशक्ति बनाएगा, क्योंकि जिस देश में नारी का सम्मान होता है वही देश महाशक्ति बन सकता है, और हमारे प्रधानमंत्री इस देश को महाशक्ति बनाना चाहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए जिस प्रकार से महिला अधिकारिता का कार्य उन्होंने हाथ में लिया है, आज उस कार्य में एक नया कदम विद्यार्थी परिषद, विद्यानिधि और हमारे ग्रैंड मास्टर शिफू जी ने रखा है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। केवल एक चीज मैं सुनील जी आपसे कहना चाहता हूँ, इसको केवल मुंबई पुरते मर्यादित क्यों रखा सुनील जी,
संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये आपण हा कॅम्प घेऊन जा। महाराष्ट्र आपल्या सगळ्या मुलींना अशा प्रकारचं ट्रेनिंग हे आपण दिलं पाहिजे आणि सरकारच्या वतीने मी आपल्याला आश्वस्त करतो की सरकार स्वतः याच्यामध्ये आपल्या सोबत ज्या ज्या काही प्रकारे त्याच्यामध्ये भागीदारी करायची असेल सरकार देखील करेल। याला आमच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत विद्यार्थिनींपर्यंत नेण्याकरता ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक असतील त्या सरकारच्या वतीने आम्ही देखील त्याच्यामध्ये मदत करू आणि त्यातनं एक सशक्त महाराष्ट्र आणि एक सशक्त भारत आपण उभा करू। मी पुन्हा एकदा आमच्या सर्व भगिनींचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय भारत। ऊर्जावान वक्तव्य हेतु हम सभी के प्रिय श्री देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा सत्र हेतु श्री देवेंद्र जी को यहाँ से जाना पड़ रहा है। माननीय श्री देवेंद्र जी आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर हमारे विद्यार्थी परिषद हमारे मध्य में मंच पर जयंत महेश्वर जी उपस्थित हैं। माननीय जयंत जी के स्वागत के लिए मैं रवि जी से निवेदन करती हूँ कि वो जयंत जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्री रवि सुश्री रवीना टंडन जी को कि वो आए और हम सभी को और इस मिशन साहसी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। श्री सुश्री रवीना टंडन जी मेरी प्यारी बच्चियां और छोटी बहनों आप सबको और बाकी जितने भी यहाँ अतिथि सम्मानित हैं आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एबीवीपी और मिशन प्रहार का कि उन्होंने मुझे इस दमदार कार्यक्रम में एक न्योता भेजा और इनवाइट किया और मैं समझती हूँ कि आप बच्चियों को देख के आज मेरे दिल में इतनी और नई हिम्मत पैदा हुई है कि मैं ये दम जो है अपने साथ लेकर जाकर लोगों को बताना चाहूंगी कि हाँ आज हमारी जो बच्चियां हैं उनसे कोई भाई पंगा नहीं ले सकता। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील अंबेकर जी का लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर शिफु जी शौर्य भरद्वाज जी का आपने जो दमदार भाषण दिया वहां पे मैं क्या बताऊं आपको मजा आ गया। एंड जिस तरीके का साहस और हिम्मत आपने बच्चियों को दी है सर आपका सर सर नमस्कार सलाम करते हैं आपको। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आशीष शमान जी का ममता यादव जी का उर्मिला महाता जी का कि आप सब ने मिलकर एबीवीपी मिशन प्रहार एक ऐसा मिशन तैयार किया है मिशन साहसी जो मैं समझती हूँ आज हमारे देश में ऐसे एक मिशन की बहुत बहुत जरूरत है। बदलते समाज और माहौल के बीच ऐसे पहलुओं का हम सभी को स्वागत करना चाहिए जहाँ ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप में भी महिलाओं को एक नई मजबूती मिले। मैं समझती हूँ जहां अन्याय के खिलाफ ना सिर्फ मजबूती के आवाज उठाई जाए बल्कि समाज में खुलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज भी उठाई जाए। महिलाएं मुख्य धारा में होंगी तो हमारा एक नया मजबूत समाज बनेगा। मैं समझती हूँ हमारी जो महिलाएं हैं आज अगर हमारे समाज को बढ़ाती हैं तो प्रथम हमारी जो लड़कियां हैं हमारी जो महिलाएं हैं वो इस समाज को आगे बढ़ाती हैं परिवार को आगे बढ़ाती हैं और जब तक वो ही महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को न पहचाने और न जाने कि उनमें कितनी सहन शक्ति है उनमें कितनी शक्ति है कितनी हिम्मत है तब तक वो परिवार भी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ हमारी महिलाओं को ये नहीं सिखाया है कि हाँ आप मैदान में आके जंग कीजिए आप लड़िए लेकिन मैं समझती हूँ जो आज मैंने प्रदर्शन देखा आम वस्तुएं जिनको एक हथियार बनाया जा सकता है और हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके हर सिचुएशन से
हर हमारे सामने जो बाधाएं आए या ऐसी मुश्किलें आए या ऐसे अगर अत्याचार हो, हम उसको कैसे उसका सामना करें ये सिखाया गया है, जो आई थिंक बहुत ही जरूरी है। हम ये नहीं कहना चाहते कि दो दिन में आपको हम एक सुपर हीरो का रूप दे देंगे या आपको ऐसे सिखा देंगे या कि आप 10 लोगों को मार के आ जाए, लेकिन उस समय एक ऐसी स्थिति से कैसे निकलना, किस तरीके से अपने आप को बचाना, अपनी हिफाजत करना, ये बहुत जरूरी है सीखना। और उस समय आप अपने शारीरिक हिम्मत भी नहीं लेकिन अपनी बुद्धि को भी इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है, वो जरूर ध्यान में रखिए आप। मैं हर बार समझती हूँ कि हम औरतें, हम में वो शक्ति है, इसलिए हमारे पुराने जमानों में जैसे हम कहते हैं आज भी हम अपनी देवियों को पूछते हैं, लेकिन ये देवियां जो थी और हमारे जो संस्कृति है पुराने जमानों से हमारी औरतों की पूजा होती रही है, एक देवी के रूप में सम्मानित किया गया है। आप समझती हैं कि हर आप में एक देवी बसी हुई है, उस देवी और उस शक्ति को अंदर से लाना आपके ऊपर है, आपको पहचानना है कि आपको किस समय कौन सी देवी का रूप लेना है। आप अगर एक करियर वुमन है तो आप लक्ष्मी है, अगर आप एक टीचर प्रोफेसर है तो आप सरस्वती है, अगर आप किसी के सामने अत्याचार के सामने खड़ी हो जाए तो आप एक काली चंडालिका और दुर्गा का रूप है। ये रूप आपको पहचानने की जरूरत है और किस तरीके से आप उस माँ की ममता को, आप में वो नम्रता भी है जो आप उस माँ की ममता को भी एक शेरनी के रूप में प्रकट कर सकती हैं। तो आप ध्यान रखिए सब आपके अंदर है, आपकी अंदरूनी शक्ति को एक बार आभार ले आएंगे आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जितनी बच्चियां यहाँ इस समय उपस्थित हैं ये सब समझती हैं और आगे ये मैसेज लेकर जाइए कि हम हैं आगे की जनरेशन, हम हैं हमारा फ्यूचर जनरेशन और हम हमारे देश को किस तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी, आपकी इज्जत, आपकी हिफाजत आप खुद कर सकती हैं, आप इतनी बुलंद हैं। और मैं आप लोग को नमस्कार करना चाहती हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको देख के आज मुझ में एक नई हिम्मत पैदा हुई है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। मे यू लिव लॉन्ग एंड मे यू लिव सक्सेसफुल, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद, जय हिंद। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ एक एक कदम बस पीछे रख लीजिए, ऑलरेडी गर्मी है, घुटन हो रही है थोड़ी। कैन वी स्टार्ट? क्या करना चाहिए? इतना अच्छा प्रदर्शन लगा आपको जिस तरह से प्रदर्शन तो बहुत ही बढ़िया था। मैं चकित हो गई देखकर कि इतनी इतनी मजबूती से हमारी लड़कियों ने जो प्रैक्टिस करके, मैंने सुना है 12-12 घंटे प्रैक्टिस करके एक कंडीशनिंग होती है जिससे वो स्ट्रांग हो जाती हैं, तो वो कंडीशनिंग दिखती है। आप अगर कोई भी डिफेंस आर्ट सीखेंगे तो पहले बच्चियों को कंडीशन किया जाता है ये मजबूती सहना, एंड बहुत ही खूबी उन्होंने निभाया और बहुत खूबी उन्होंने दिखाया। मैं समझती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसे जो मिशन साहसी है, जो ABVP और ग्रैंड मास्टर शिखु जी ने साथ में मिलकर, मिशन प्रहार साथ में मिलकर इन्होंने जो ये मिशन साहसी बनाया है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में एक अभियान चलना चाहिए, जहाँ हम स्कूल्स में कैंप्स ऐसे रखें डिफेंस के लिए। क्योंकि जो आज आपने प्रदर्शन देखा,
वो सिर्फ ये नहीं था कि हम दो दिन में आपको एक कराटे मास्टर बना देंगे या हम आपको कंग फू करना ऐसे सिखा देंगे, बल्कि ये इतने आसान तरीके के सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाए गए कि आप जो जो आपके साथ आम वस्तुएं भी हैं आपके हाथ में, आपके बैग में, चाहे वो आपका रूलर हो या आपकी कलम हो या आपका पेन हो, आप कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकती है। उस समय आई फील अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो ये जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स लड़कियों को सिखाई गई हैं, आई थिंक इज़ फैंटास्टिक, और मैं बहुत दिल से इन सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मिशन के बारे में सोचा और हर स्कूल और हर कॉलेजेस में ये लेके जाएँ। विद्यार्थी परिषद दो प्रकार से काम कर रही है, सॉफ्टवेयर चेंज कर रही है। स्पेशल मैसेज मैं विमेंस डे में हर एक को यही बोलती हूँ कि हम औरतों में इतनी शक्ति है। शायद ऊपर वाले ने यही शक्ति पहचान के हमको ये दान दिया कि हम एक्चुअली वो दर्द सह के एक नई जीवन को भी हम जन्म देते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति हमें दी गई है और हम उसे पहचाने अपने आप में कि अगर हम एक जीवन को जन्म दे सकते हैं तो हम ज़रूर, इतनी हिम्मत है और इतनी साहस है कि हम अत्याचार के अगेंस्ट भी खड़ी हो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं हम अपने जहन में ले लें कि औरतें किसी भी हिसाब से कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो इतनी हिम्मतदार है कि इसलिए ऊपर वाले ने हमको जन्म देने का एक दान, एक वरदान दिया है। So I feel that is very, very important for us to realize our self-worth and our self-strength is very important. Thank you. Sorry. I've got a bad throat. हाँ जी सॉरी, क्या बोला आपने? या नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और सभी को, मैं सिर्फ हमारी औरतों को नहीं लेकिन मैं सभी को एक वेरी हैप्पी विमेंस डे कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर विमेन शायद नहीं होती तो हमारी ये पूरी लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि विमेन आर द बेन ऑफ आर एग्जिस्टेंस एंड विमेन कैन टेक अस फॉरवर्ड, विमेन प्रोक्रिएट एंड टेक दिस वर्ल्ड फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.